श्री राम समर्थ अगस्त 2। अपने भीतर के मय का स्वरूप आनंदमय है। इच्छित वस्तु मिल जाने पर समाधान होता ही है ऐसा नहीं है। समाधान इसमें है कि हम सब इच्छा को ही नष्ट कर दे। समाधान तो तभी होगा जब लालसा समाप्त होगी। इसलिए यह देखा जाए कि वासना का अंत किससे होगा। ध्यान तो इधर दिया जाए कि सुख किस बात में है। काहे का पल्ला पकड़े, सच्चा आनंद सच्चा समाधान इसी में है कि हम भगवान के हो जाएं, अर्थात भगवान के दास सेवक भक्त बने। भगवान तेरे सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं है, यह विचार जिस दिन दृढ़ होगा उसी दिन सच्चा संतोष प्राप्त होगा। जितनी विषय की लालसा बढ़ेगी उतनी दुख की मात्रा बढ़ेगी। विषय सुख तो न मांगने पर भी मिलता है, फिर जो परमार्थ में बाधा होने वाला है वह मांगे क्यों। मेरा आधार राम है, मेरे पीछे राम है कहने पर, गृहस्थी के विषयों में रहने पर भी डरने का कोई कारण नहीं है। भगवान का आधार दृढ़ रखने पर विषयों का डर नहीं लगता। अनुसंधान में रहने का मतलब ही जागृत रहना, सचेत रहना। दिवाली का दिन आनंद का दिन होता है, किंतु दिवाली का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही होता है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिन की परिस्थिति संकट और अड़चने उस दिन भी बनी रहती है। इसका मतलब यह है कि परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। दिवाली का दिन विशेष दिन के कारण कोई अलग दिन नहीं होता, किंतु कल हमने जो किया वह हम दिवाली के दिन नहीं करते। यही मुख्य फर्क है। हम ही दिवाली के दिन को आनंद का दिन करते हैं। यदि यह सत्य है तो हम हमेशा क्यों न उसे मनाएं। हमें हमेशा दिवाली मनाने की भावना हो, हमेशा हम आनंद में रहे और उसके लिए आनंद स्वरूप भगवान का आधार ले। हम दिवाली के त्योहार का बहाना कर आनंद में मशगूल हो जाते हैं, फिर जो आनंद निर्माण करने वाला भगवान है उसका हमेशा आधार या सहारा लेकर उसकी शरण में क्यों न जाए, उसके आश्रय में क्यों न रहे। भगवान का आनंद बड़ा प्रबल आनंद है। वह एक बार मिल जाए तो गृहस्थी के लाभ हानि की कोई कीमत नहीं रह जाती। भगवान का स्वरूप ही मूल में आनंदमय है, तो ऐसे आनंदमय भगवान के हमारे अंतःकरण में होते हुए भी हम दुख भोगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि भगवान के प्रकट होने में हम ही अपने भीतर व्यर्थ ही कोई न कोई बाधा खड़ी किया करते हैं। हमारे भीतर भगवान तो है ही, किंतु साथ साथ हमारा मैं भी है। यह मैं कौन है यह जानने के लिए हम अपनी इंद्रियों का उद्यम शांत करके अपने भीतर आनंद की खोज करें, तब हमें अनुभव होगा कि इस मैं का स्वरूप भी आनंदमय है। इस तरह परमात्मा को जान लेना ही जीवन का यथार्थ आरंभ है और परमात्मा में विलीन हो जाना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। आज का मुख्य विचार, जिसका आनंद टिकता है उसके लिए नित्य दीपावली ही है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।